पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोडक्शन जिस वाक्य अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आता है तो वहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। हम जहां पर जिस वाक्य के लास्ट में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आएगा तो वहां पर जानेंगे कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम सिंपल सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे किस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। यदि कर्ता एक वचन का है ही सी इट तो ट्रांसलेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और यदि कर्ता बहुवचन का है बहुवचन कर्ता जैसे बी यू दे तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। नोट पेन है मेन वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। आप एग्जाम्पल करेंगे तुम स्टेशन जा रहे थे यू वेयर गोइंग टू द स्टेशन Okay.
आगे क्या आता है सेकंड टाइप में, इंटरवेटिव सेकंड टाइप में बीच में क्या आता है, सेंटेंस के बीच में क्या आता है वो सेकंड टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो सेंटेंस के आगे क्या आता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप पढ़ना है, आगे क्या आएगा, क्या वे अखबार पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे क्या आया है, तो कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे, दे है से प्लूरल नंबर है तो इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बेयर लिखेंगे, बेयर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, कुत्ते गली में भौंक रहे थे, बेयर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई कपड़ा नहीं धो रहा था। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम्हारा भाई आया है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आगे लिखेंगे, वाज योर ब्रदर निगेटिव है, नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे, धोना का वाश वाशिंग में आई एन जी वाशिंग हो जाएगा, वाश में आई एन जी लगा देंगे वाशिंग, वाज योर ब्रदर नॉट वाशिंग द क्लॉथ्स। क्वेश्चन मार्क लगा दें। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप में सेंटेंस के बीच में क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में सेंटेंस के बीच में क्या आता है, एग्जांपल जैसे मोहन कहां जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें क्वेश्चन कहाँ आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हेयर वाज मोहन गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम कब चावल पका रही थी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कब आया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन, व्हेन वेयर यू कुकिंग द राइस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई बार जाई नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, वाई बार जाई नॉट वाशिंग द क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आप माय चैनल इंप्रूवर क्लासेस थैंक्स अ लॉट